हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ, ये आपका चैप्टर 1 है, पार्ट 8। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पढ़ा है एफ और मैथ आर्ट हुआ, जो फंक्शन दिया है एफ बराबर 1 यानी एक्स ग्रेटर देन 0 0 है तो यदि एक्स बराबर 0 माइनस 1 है तो यदि एक्स ग्रेटर देन 1 है तब कह रहा है। इसी देख लीजिएगा, जो आपका फंक्शन है एफ मैथ आर्ट हुआ न तो एक्सपी हुआ ना अच्छा दे हुआ, इस कंडीशन में हम क्या करें, एफ 1 निकालें। एफ 1 0 से अधिक तो एफ 1 का मान कितना है 1। एफ 2 निकालें, एफ 2 निकालेंगे तो ये भी आपका 0 से ज़्यादा तो एफ एक्स मान कितना है 1। यानी यहाँ देख रहे हैं हम ये 100 प्रांत, ये कह रहे हैं प्रांत है 1 और 2 और 100 प्रांत 1, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन, इसी का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तीसरे देखिए एक ही से बन रहा है, यह आपका एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा। और जब एकाकी नहीं होगा तो यहाँ पूछ सकते हैं हम, यानी पहला है किए थे जांच में और दूसरा लिख दें कि सौ प्रांत का कोई अवयव प्राण के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है प्रतिबिंब नहीं है इसलिए यह अच्छा नहीं होगा। पता लिख सकते हैं यह मैं आठ हुआ न तो करके हुआ न अच्छा नहीं होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका दिया है एज कट टू आपका दिया जी 1 2 3, बीज कट दिया आपका 4 5 6 7, आपका एफ दिया है आपका 1 4, अगला दिया है 2 2 5, अगला दिया है आपका 3 6। कह रहा है कि ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए या फिर एकाकी होगा। एकाकी के लिए सिंपल है, या 1 किससे संबंधित है 4 से, 2 किससे संबंधित है 5 से, 3 किससे संबंधित है 6 से, प्रत्येक अवयव अलग अलग अवयव से अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए अब क्या होगा एकाकी होगा, एकाकी होगा। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये आपका कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति बताइए कि फलन एकाकी आच्छादी अथवा क्या है, और उत्तर की औचित्य बताना है। फंक्शन पहला दिया आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 3 - 4x, कह रहा है एफ साइड है माइनस R2R, पूछ रहा है क्या होगा एकाकी होगा ठीक है अच्छा भी होगा कि नहीं होगा। तो आइए जांच कर रहा हूँ, पहला जांच पहला एफ एक्स बराबर 3 - 4x है तो एकाकी का जांच करना, तो एफ एक्स 1 बराबर क्या कर दें एफ एक्स 2, एक्स
थ्री माइनस फोर एक्स वन बराबर थ्री माइनस फोर एक्स टू, थ्री थ्री वन बार में फोर एक्स वन इक्वल टू क्या माइनस फोर एक्स टू, ये माइनस माइनस फोर से फोर हो जाएगा एक्स बराबर का एक्स वन बराबर का हो जाएगा एक्स टू, यदि एक्स वन बराबर एक्स टू हो गया इस कंडीशन में यह क्या होगा एकाइती होगा, क्या होगा एकाइती होगा। तीसरा देखिए अभ्यास करना है कि यह आपका तत्क्षारी होगा कि नहीं, एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स है या फिर जो अपन लिखेंगे वाई थ्री माइनस फोर एक्स, अब इसको आप वाई के पद में एक्स का मान ज्ञात करेंगे लेफ्ट में राइट में आएगा तो फोर एक्स बराबर कितना जाएगा थ्री माइनस वाई, एक्स बराबर कितना जाएगा थ्री माइनस वाई बाई फोर, और वाई के भी मान पर एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान अगर एक ले रहे हैं देखिएगा दो बटे चार हो जाएगा एक्स का मान, ठीक है ये रियल है ठीक, और एक्स का मान अगर दो रख रहे हैं तो वाई का मान दो रख रहे हैं तो तीन में दो हजार कितना होगा एक, एक बटे चार होगा ये भी रियल होगा, देखिए ये भी आपका रियल है ये भी रियल आएगा, इसलिए यह क्या होगा अच्छा भी होगा अच्छा भी होगा, पता लिख सकते हैं पता यह सब्जेक्ट आर टू आर एक कैफी वह अच्छा भी होगा अच्छा भी होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हल किया जाएगा, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद।